तो फाइनली भाई स्कारफॉल 2.0 का ना नया अपडेट आ चुका है और इतनी जल्दी आने वाला था अपडेट मेरे को पता नहीं था। एंड ये वाला जो अपडेट आया है इसमें दो चीजें हमें देखने को मिली है, एक तो भाई यहाँ पर इसमें हो चुका है ट्रेनिंग ग्राउंड ऐड और सेकंड चीज हो चुका है भाई फ्रेंड सिस्टम लॉबी में आ चुका है। स्कारफॉल 2.0 ऑफिशियल वालों ने यहाँ पर फेजेस दिखाए थे अल्फा के क्या क्या फेजेस होने वाले हैं एंड यहाँ पर उसमें दिखाया था कि पहले ये अपडेट आएगा उसके बाद ये अपडेट आएगा उसमें ये चीजें ऐड होंगी। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर अभी जो पहला अपडेट था वो तो आ चुका है, अब इसके बाद के जो नेक्स्ट अपडेट है उनमें हमें नए नई चीजें देखने को मिलेंगी। लाइक यहाँ पर आगे चल के मुंबई मैप में व्हीकल्स वगैरह भी ऐड होंगे और भाई ये जितने भी अल्फा के अपडेट होने वाले ना फेज होने वाले हैं ये सभी के सभी आपको जनवरी के मंथ तक देखने को मिल जाएंगे। तो आपको काफी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इन अपडेट्स के लिए, तो जल्दी आ जाएंगे जनवरी तक सारे अपडेट्स आ जाएंगे। तो हेडफोन हमने पहन लिया है, चलो भाई देखते हैं क्या क्या चीजें आई हैं। और यार माइक के सामने मैं फोन कैसे पकड़ूंगा भाई, हो भी नहीं पा रहा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर नीचे नई चीज आ चुकी है, फॉलोअर्स का ऑप्शन आ चुका है, इनको आप डायरेक्टली यहाँ से फॉलो कर सकते हो एंड रिपोर्ट करना है कोई इशू तो डायरेक्टली आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पर कर सकते हो। गेम मोड्स में चलते हैं भाई, गेम मोड्स में आप यहाँ पर देखो मेरे फ्रेंड का सिस्टम आ गया है, देखो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं। अब ऊपर देखोगे आप ट्रेनिंग ग्राउंड का ऑप्शन आ चुका है, तो ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं देखते हैं भाई क्या क्या सीन है ट्रेनिंग ग्राउंड का। डायरेक्टली मैंने अपडेट करने के बाद ना डायरेक्ट वीडियो में खोल रहा हूँ, मैंने अभी तक खेल के नहीं देखा क्या सीन है। ओके तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ, ट्रेनिंग ग्राउंड में मेरी आउटफिट बदल गई, मेरे को लगा वही आउटफिट रहेगी जो पुलिस वाली थी। ओके ओ भाई साहब यहाँ पर तो काफ़ी सारे बंदे हैं, ये बंदे हैं या फिर ये ओके शायद ये वैसे हैं, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए ये बॉट्स हैं, मेरे को लगा रियल बंदे आ गए इतने सारे। मैं गन ले लेता हूँ, देखो मेरे को सबसे बढ़िया गन इसमें अभी कौन सी लगती है, एक राउडी भी अच्छी है, बैटल स्टार भी मैंने देखी अच्छी है, AR की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद तीसरी ASN को आप मान सकते हो, थोड़ी हैवी रिकॉइल वाली गन है एंड हैवी डैमेज वाली गन है, सबसे ज़्यादा डैमेज मेरे को इसका ही लगता है ASN का अगर हेड वगैरह पे आप दोगे तो ASN। और अगर आप मेरे को बोलोगे कौन सी मैं चूज करूँ, राउडी और बैटल स्टार में से आप एक ले सकते हो कोई सी, और ASN को तो आप परमानेंट करना चाहो तो कर सकते हो, मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है विदाउट स्कोप। अब यहाँ पर अटैचमेंट्स वगैरह भी हैं जिससे रिकॉइल वगैरह में हेल्प होगी। बैग आउट ऑफ स्टोरेज, बैग ही ले लेते हैं पहले, सब कुछ भर लेंगे, सब उठा ले भाई ठीक है। अब मैंने क्विक स्कोप एनेबल नहीं कर रखा है, क्विक स्कोप का ऑप्शन भी है इसमें, क्विक स्कोप भी एनेबल कर सकते हैं। ओके एनेबल हो गया है, अब मैं यहाँ से डायरेक्टली स्कोप वगैरह लगा सकता हूँ, तो मैं 3x लगा लेता हूँ एक बार, 3x फेवरेट स्कोप है भाई। ये भगते बंदे को मारता हूँ। ओके काफ़ी बढ़िया यार ट्रेनिंग ग्राउंड, तो इसमें तो आराम से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाँ अभी एक चीज़ ये है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में भी व्हीकल्स नहीं आए हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में भी व्हीकल्स आगे चल के आएंगे। एक बार मैप खोल के देख लेते, कुछ इस तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड है एंड काफ़ी बढ़िया है, ट्रेनिंग एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ी सी स्नाइपिंग करके देख लें, अच्छा मेरे आगे के स्कोप में ना जो बड़े स्कोप है मैंने उनकी सेंसिटिविटी सेट नहीं कर रखी अच्छी, तो इतना अच्छी सेटिंग नहीं है उनकी मेरी सेंसिटिविटी वाली, तो इसलिए एम करने में अभी दिक्कत होगी। तो 4x तक तो मैंने शायद सही कर रखा है, हाँ 4x में मैंने अच्छी सेंसिटिविटी कर रखी है तो ये सही है। अब जैसे बैटल स्टार में मैं 4x लगाता हूँ ना, तो 4x भी काफ़ी बढ़िया चलता है भाई, इसमें देख रहे हो मस्त चलता है। अभी और गन को देख लेते हैं कौन कौन सी गन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वेस्ट वगैरह हैं यहाँ पर ये, ओके फ्यूल वगैरह है ना, व्हीकल बैटरी व्हीकल फ्यूल वगैरह हैं, बट अभी कोई काम नहीं है, आएंगी व्हीकल्स आए नहीं है। यहाँ पर एक्सटेंडेड मैग वगैरह, क्विक ड्रॉ वगैरह, ये स्कोप्स हो गए, यहाँ पर ये ग्रिप्स वगैरह हो गई, और यहाँ पर स्टॉक हो गई, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर सब, ठीक है ठीक है। यहाँ पर हो गए हमारे थ्रोएबल्स, मॉली वगैरह, स्टन ग्रेनेड वगैरह, ये मेडिकेट्स वगैरह हो गई, एंड यहाँ पर है मेन मामला। तो ये देखो स्नाइपर्स हैं चार है ना, और ये यहाँ पर मशीन गन है, देखो इनको भी चला के दिखाता हूँ, स्नाइपर तो देख ली हमने, एंड मेरे को सबसे बढ़िया ये MG केओस भी अच्छी लगती है और ये डिस्ट्रॉयर भी अच्छी है, ठीक है इसको ले लिया। अब यहाँ पर एक और हम AR को चेंज करते हैं, ASN मैंने ले लिया, ASN बढ़िया है, शॉटगन मेरे को अच्छी नहीं लगती पता नहीं क्यों। SMG में भी सारी गन अच्छी हैं बट ज़्यादा अच्छी मेरे को UMP लगती है, बाकी चलो सारी गन्स हमने ट्राई कर ली हैं एक बार। देखो ASN का रिकॉइल ना काफ़ी अलग है, काफ़ी बढ़िया है भाई, बट वो है कि कंट्रोलेबल है, आप आराम से कंट्रोल कर लोगे अगर आप जायरो खेलते हो, मतलब जायरो में इजी पड़ता है। देखो मैं सब जायरो ही खेल रहा हूँ, ये देखो मैं दिखाता भी हूँ आपको, देख रहे हो ना ये, अब देखो यहाँ है ना वो पूरा जायरो चल रहा है, तो जायरो इसका बिल्कुल स्मूथ है ठीक है। ASN हमने चला ली, अब एक बार चला लेते हैं राउडी, राउडी भी काफ़ी स्मूथ है भाई गन, राउडी मतलब कह सकते हो M4 टाइप की है एंड काफ़ी स्मूथ है, 4x में चल रही है अभी ये, देखो ये बहुत स्मूथ है, मतलब कंट्रोल करना बहुत आसान है इसको। बढ़िया है भाई गन, अब देख लेते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आगे है क्या क्या, मतलब मैंने तो ये एरिया देखा है ना अभी, अभी और एरिया देख लेते हैं, पहले मैं लगाता हूँ इसमें 3x, 3x काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को। ओके ये 10 मीटर का है,
अरे गन तो ले लूँ, एमो मेरे को लेनी पड़ेगी क्या बार बार? कर लेते देखो कहाँ तक लगे पड़े। ओ भाई साहब ये एरिया तो मैं देखा ही नहीं, यहाँ पर भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़िया है भाई, देखो अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25, 30, 35, तो बढ़िया है भाई। स्कोप मैं चेंज करके 4x करूँगा। लास्ट वाले बंदे को लेते हैं, जो लास्ट वाला है ना ये, इससे अगला वाला, वो पीछे वाला गया भाई। बढ़िया, अब ये चला लेते हैं केओस वाली गन। ये भी स्मूथ है भाई, काफ़ी सही चलती है 4x में। देखो ये कैसी चलेगी, देखो ना रिकॉइल है ही नहीं भाई इस गन में, कहीं तक भी मार लो आप बंदे। बढ़िया है वे, व्हीकल्स होते हैं ना तो मैं थोड़ा घूम के दिखा देता आपको, बाकी तो बढ़िया। वहाँ पे भी टारगेट है क्या? देखो उन टारगेट को लेते हैं, 4x लगा इसमें और उन वाले को मारने का ट्राई करते हैं। ओके बिल्कुल उस पर चिपकी हुई है बंदे पे एम, देख लो आप हिल भी नहीं रहा मेरा एम, जायरो से काफ़ी सही कंट्रोल हो रहा है। ओके तो भाई लोग यही आया अपडेट में, तो अपडेट में तो और कुछ नहीं है अभी, मतलब ये मेन चीज़ें आ गई, मतलब सही है। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है ना डायरेक्ट गेम में जाने के बजाय, उसको टाइम पास करना है मतलब गेम के अंदर, तो भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, मज़ा आएगा। और हाँ मस्त, मतलब ये अपडेट ठीक लगा मेरे को। और बाकी आगे के जो फेज़ आने वाले हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे अपडेट हमें देखने को मिलेंगे, तो उनमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी यार वीडियो में इतना ही था, एंड वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर इंतजार कर देना सब्सक्राइब ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।